और चलिए अब एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हमें मिल पा रही है, सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। केरल के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। केरल के कन्नूर से जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, कई अधिकारी सवार थे। तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, इस वक्त की बड़ी खबर। और हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे, तो यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है कन्नूर में, और इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी भी सवार थे। तमिलनाडु के पास कन्नूर में ये सेना का हेलीकॉप्टर जो कि क्रैश हुआ है, और इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी भी सवार थे। फिलहाल ये ताजा अपडेट मिल पा रही है, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे और तमिलनाडु के कन्नूर में यह हादसा हुआ है जहां पर सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। क्या वजह रही है हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की, इन तमाम बातों पर जाहिर तौर पर अपडेट आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए ताजा जानकारी आपके सामने, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे। सेना के कई अधिकारी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, कन्नूर जगह है जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, तमिलनाडु के कन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी भी सवार थे। तो हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे, बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। कन्नूर में यह हादसा हुआ है, न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर आपको हम बता रहे हैं। तो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, न्यूज एजेंसी ANI के हवाले से खबर। हालांकि क्या वजह रही यह अभी तक सामने नहीं आ पाया है, जाहिर तौर पर अभी जांच होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर कन्नूर में यह हादसा हुआ है, तमिलनाडु के कन्नूर में जहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी भी सवार थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं, पहाड़ी क्षेत्र जहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और खबर ये मिल पा रही है, जानकारी ये मिल पा रही है कि कई अधिकारी सेना के, जो बड़े अधिकारी हैं, वो भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सेना का यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। और खबर ये मिल पा रही है कि इस हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, और साथ ही तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, हेलीकॉप्टर में सेना के जहां कई अधिकारी सवार थे। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने, और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र है जहां पर यह हादसा हुआ है, तमिलनाडु में। तो देखिए, ये एक चॉपर था जो कि क्रैश हुआ है, तमिलनाडु के कन्नूर में यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ भी था। तो इसमें चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ भी था, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। चार लोग इसमें सवार थे, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बड़ा हादसा यहां पर ये हुआ है तमिलनाडु के कन्नूर में, जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। हेलीकॉप्टर में सेना के कई अधिकारी सवार थे, क्या वजह रही हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की, कौन कौन से अधिकारी इसमें सवार थे, ये फिलहाल सामने आएगा। लेकिन ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, खबरें अभी तक पर एक्सक्लूसिव, तस्वीरें आप इस समय देख सकते हैं। तो ये बड़ी खबर, जहां पर तमिलनाडु के कन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है, तस्वीरें आपके सामने हैं। तमिलनाडु का कन्नूर क्षेत्र जो कि एक पहाड़ी क्षेत्र है, और यहां पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। हालांकि मौसम को लेकर भी अगर बात की जाए, तो देखिए मौसम भी खराब था, और ऐसे अक्सर मौकों पर यह देखा जाता है कि हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भरते हैं अगर मौसम संजीदा हो। लेकिन इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आग की लपटों पर यह हेलीकॉप्टर।